चीन में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस से अब तक 259 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या करीब 11,800 हो गई है। जो भी अभी अस्पताल में भर्ती है, चीन अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस की चपेट में आए 1,795 लोगों की हालत काफी नाजुक है। हालात इतने खराब है कि हुबोई प्रांत में महज एक दिन में ही 45 लोगों की मौत हो गई। चीन में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हुबोई प्रांत ही प्रभावित हुआ है। हुबोई प्रांत में करीब 1,347 नए मामले भी सामने आए हैं। इसके साथ ही संदिग्ध मरीजों की संख्या करीब 18,000 हो गई, जिन्हें निगरानी के लिए रखा गया है। चीन में बिगड़ते हालात की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के कहर को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस फैलने के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए शहर और आसपास के क्षेत्रों के कम 5 करोड़ लोगों को कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं है और एक तरह से यहां के लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया गया है। चीन के वुहान में फैले कोरोना वायरस ने भारत सहित कई देशों में भी दस्तक दे दी है। अब तक कुल 22 देशों में कोरोना वायरस से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। चीन में खराब होते हालातों के बीच दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को चीन से निकालने में जुट गए हैं। चीन के वुहान शहर से 324 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान भी दिल्ली पहुंच गया है। वुहान से भारत पहुंचने वाले यात्रियों की जांच के लिए हरियाणा के मानेसर में अस्पताल बनाया गया है।